रखो, कब तक संयम रखें? अगर कोई हमारे सर पे चढ़ के मूतेगा तो कैसे संयम रखेंगे? टूट गया संयम। क्या हो रहा है विक्की, क्या कर रहे हो तुम? Why are we answerable to a bunch of self-styled activists sitting in Delhi? Because my fiance is the future deputy leader of the party. Presenting Mr. Rahab Ahmed. अच्छी कहानियाँ वो हैं जिसमें तर्क हो, जो आपको प्रोवोक करे. Why? You have to ask why. Dear Papa, भाग रही हूँ तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होगी. चलते हैं लोग हो यार, सारा हम लड़की की इज्जत पे हमला हो रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हो. ए, छोड़ो से. Don't. इस इंसिडेंट की वजह से आपकी इमेज पे क्या असर पड़ा है? जो आदमी अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा. सर, इस वीडियो के वायरल होते ही आपका नेशनल करियर खत्म है. सर, लुक एट दिस, नंबर 7 पे ट्रेंड कर रहा है वीडियो. मैंने बोला था ना, सावल को छोड़ पूरे इंडिया में कहीं नहीं छिप सकते ये दोनों. व्हाट द फक इज दिस, क्या है ये? आपकी फोटो दीदी के साथ पूरे सावलपुर में कचोरियों के भाव बढ़ रही है. ये तो अफवाह है. अफवाह तो है, पर फिक्र किसे है? ना तो फैलाने वाले को, ना यकीन करने वाले को. I know the last few minutes were very weird, लेकिन हमें भागना पड़ेगा भाई साहब. बहुत सो फनी. मेरे शहर के लोग मुझे मारने पे तुले हुए हैं. कल तक नहीं मिली तो गांड मार लेंगे उनको. अगर हम पकड़े गए तो मेरे साथ जो होगा वो तो होगा, लेकिन आपको जरूर मार देंगे. खत्म करो ये टंटा पैच, थक गया हूं मैं. मुझे जान से मार सकते हैं, दरवाजा खोलो यार आप प्लीज. वो वीडियो वाला है, भाग यहां से. एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ को आके एक चीज बताता है, वो बेवकूफ जाके वो चीज आगे 10 लोगों को बताता है बिना सोचे समझे. जो अफवाहें है ना, ऐसे ही फैलती है.